हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर विद पायल। आज मैं आपको कुछ इंस्टॉलेशन दिखाने वाली हूँ। जैसे कि थंबनेल से आपने चेक कर ही लिया होगा, मेरे पास अपनी किया कारेंस है जो मेरी नई गाड़ी है, उसके अंदर मैं एक अपना डैश कैम लगवाने वाली हूँ। दिस इज क्यूबो का डैश कैम। मैं इसका इंस्टॉलेशन के लिए ही जा रही थी तो मैं अनबॉक्सिंग कर चुकी हूँ। सिंपल सा आया है डैश कैम, मैं इसको इंस्टॉल करवाऊंगी। यहाँ पर मेरा लगेगा एसडी कार्ड और इधर के साइड पे ही यहाँ पर ही इसका एक वायर आया है। मैं वायर भी दिखा देती हूँ आपको, उसका एक वायर आया है, वायर मेरा कनेक्ट होगा। और 12 वॉट का ना ये आया है साथ में, जो मेरे अपने कैरेंस में ही मेरे पास ऑप्शन था उसमें डालने के लिए। इसको मैं कनेक्ट करके, ये वायर ही सब कुछ इसमें क्यूबो के ही मेरे बॉक्स में ही आया है, तो मैं इसको जा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ इसका। ये ना किया कैरेंस में ऑप्शन था तो मैं इसको यहाँ पर ही कनेक्ट कर देती हूँ। यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा और अब इसका मैं इंस्टॉलेशन करवाने जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ रिस्क लूँ कुछ, क्योंकि ना यहाँ पर ए पिलर के थ्रू दे विल ओपन और इसके अंदर से इसको इसकी पूरी वायर वगैरह डालेंगे, तो मैं इसलिए जा रही हूँ। अब देखते हैं कितना, हाउ मच ही विल चार्ज, थोड़ा सा देखूंगी। और साथ में ये सब ना एसेसरीज इसके साथ ही आई थी, वो जैसे कि मुझे कुछ अंदर स्टिक करना है इसको ऐसे ऐसे करने के लिए, सब एसेसरीज इसके साथ ही आई थी। तो चलते हैं, डैश कैम लगवा के आती हूँ अपने किया कारेंस में। अच्छा, और ये जो मुझे क्यूबो का आया है, बहुत ही सिंपल, मैंने इसको इसका ऐप था वो इंस्टॉल किया और गूगल से अपना अकाउंट बना लिया। और एसडी कार्ड भी मैंने इसके लिए ऑर्डर किया है, एसडी कार्ड भी आ जाएगा, आज में ही आ जाएगा, तो इसलिए मैंने अभी एसडी कार्ड लगाया नहीं। तो मैं इसको अगर जब करती हूँ ऑन तो ये बोलते हैं नो एसडी कार्ड, नो एसडी कार्ड, इसलिए मैं अभी इसकी आवाज आपको सुनाने रही हूँ, आ जाएगा। अच्छा, और ये आया है मेरा 4000 रुपीज का मुझे पड़ा है, क्यूबो का है, रेटिंग करके ही मतलब रिव्यूज पढ़ के ही मैंने इसके लिए मंगवाया है। 4000 का आया, 2 दिन के अंदर ही अमेजोन से डिलीवरी हो गई थी। मैं बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक सेंड कर दूंगी आपको। तो चलते हैं अब हम लोग इसको इंस्टॉलेशन के लिए। मैं पहुंच गई हूँ अपने डेस्टिनेशन में, मेरे को मैकेनिक भैया मिल गए थे, मैं उनसे बात हो गई है, अब वो मेरा काम कर रहे हैं डैश कैम के लिए। उन्होंने निकाल दिया है यहाँ से, इतना ज्यादा तो नहीं चाहिएगा ना भैया, थोड़ा सा वायर बाहर आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब नहीं, वैसे इतने बता रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, बस ये ना हो कि पैरों में ना आए, बस हम लोगों के ना पैरों में नहीं आ रहा। अंदर कुछ अच्छा उसके ऊपर से निकाल दिया अपने, प्लास्टिक का ध्यान रखो। करने कोई काम घर पे भी कर सकते थे बट हम लोग रेस्ट नहीं लेना चाहते थे, तो इसलिए भैया की हेल्प ले रहे हैं। अब ये भैया ने ये पिलर निकाल दिया है, अब ये अपनी वायर की सेटिंग करेंगे, अंदर से लेके आ रहे हैं, ग्लव बॉक्स की साइड से अंदर से लेके आ रहे हैं। अरे वाह, वायर भी आ गई ऊपर। ये भी लगाना होगा ना, कैमरा फंस गया। अंदर से कुछ ऐसा फिक्स नहीं हो जाए कि मतलब कि बाहर वायर ना बाहर ना लटके, बस ड्राइविंग करते वक्त ये कहाँ बता रहा है।
आप एक मिनट ये देखिए, आप इसको मेरे को ना इसको यहाँ लगाना है, ये फास्ट चेक के ऊपर से, ताकि कैमरा यहाँ से आ जाए। ये इधर इधर मेरे राइट हैंड पे दिक्कत नहीं, तार ये इधर से छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ छोड़ेंगे फिर दिक्कत आएगी। हाँ ज्यादा नहीं छोड़ना। चिपकने वाला है। हाँ, वायर अंदर अच्छे से डाल दीजिए आप उसको। ज्यादा खींचे ना मत, इसको लिखड़ेगा नहीं, वैसे एक बार लगने के बाद लिखड़ेगा नहीं। हाँ हाँ हमने फिक्स ही कर देना, हमने कोई टच नहीं करना उस बबल। कोई लॉक था क्या यहाँ पर? लोग भी छोड़ते हैं। एक्स्ट्रा वायर का क्या कर रहे हैं आप? अंदर ही उसको फोल्ड कर दिया। अच्छा, मतलब जब बाहर पैरों में आएगी नींद रहेगी ना एक्स्ट्रा वायर की, तो वो आपने फोल्ड कर दिया उसको अंदर। हाँ। ही अंदर चलो भैया, थैंक यू। भैया से मैंने वायर तो लगवा ली, अब मैं घर जाके खुद ही अपना डैश कैम इंस्टॉल करूंगी, क्योंकि मैंने भी एसडी कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है अमेजोन से, तो वो आ जाएगा। तो प्रॉब्लम है, आपको इसकी क्लिपिंग्स वगैरह भी बना के दिखाऊंगी। बट भैया ने काम तो बहुत अच्छा किया, ही चार्ज में 100 रुपीज। 100 रुपीज में मुझे ये था कि एक मैकेनिक का हाथ लगे, वरना करने को तो हम लोग खुद भी कर सकते थे, बट मैं उस चीज का चांस नहीं लेना चाहती थी। ये भैया जो एसी का काम करते थे, मैं उन्हीं के पास आई थी, जो हमारी अपनी दोनों गाड़ियों उनका हमारा एसी का काम यही भैया लोग करते हैं, तो मैं इसलिए इनके पास आई थी। मुझे पता था कि ये लोग डैशबोर्ड ये वाला सिस्टम खोलते हैं, तो मुझे इतना नॉलेज था, तो इस वजह से मैंने सीधे सोचा कि मैं यहीं पर आती हूँ रादर गोइंग टू अनदर मैकेनिक। तो ये पोर्शन जो खोलते हैं, इसलिए मैं सीधा यहाँ पर आई। 100 रुपए लगे, काम डन। डैश कैम मैं घर जाके आराम से इसको अपनी सेटिंग के हिसाब से देखूंगी कि कैसे करना है, पोजीशन देख के एक बार एसडी कार्ड आ जाए ना, फिर मैं उसके हिसाब से करूंगी। चलो मिलते हैं घर पे अब। फ्रेंड्स, जब हम लोग चेक करते हैं आफ्टरनून में इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है, मुझे रिकॉर्डिंग काफ़ी सही लगी, मस्त लगी, एकदम से पूरा वाइड एंगल से पूरा कैप्चर कर रहा है। मैं नॉर्मल स्पीड में ही अपना ड्राइविंग कर रही हूँ, हर चीज़ में देखी लेफ्ट राइट में हर चीज़ मेरा कैप्चर होता जा रहा है। मैंने थोड़ा सा ऐसा लगा कि मेरा जो आगे का बोनेट है वो भी इसमें कवर हो रहा है। आई एम सेटिस्फाइड विद द आफ्टरनून का जो इसका क्लिपिंग बना है, आफ्टरनून में जो मेरी रिकॉर्डिंग हुई है, आई एम लाइक हैप्पी इनफ, लाइक अच्छा लग रहा है मेरे को, सब चीज़ें कैप्चर होती जा रही है। अब मैं नेक्स्ट आपको जो क्लिपिंग दिखाऊंगी, मैं आपको उसका नाइट वर्जन का दिखाऊंगी कि नाइट में इसका कैसा मेरा रिकॉर्डिंग आया था। ऑल सेट फॉर द नाइट, ये सब मेरा नाइट का व्यू आ रहा है। मेरे को लग रहा है अच्छा कि वाइड एंगल फिर से आ गया, पूरा रोड मेरा जो कैप्चर हो रहा है लेफ्ट राइट से। और वैसे भी मेरी किया कैरेंस है और इसमें काफ़ी मतलब हेडलाइट का इशू रहता है कि इतना अच्छा थ्रो नहीं है, बट रिकॉर्डिंग एकदम मस्त आई है, क्लैरिटी है रिकॉर्डिंग में, कोई इशू अनदर कोई इशू नहीं लग रहा, जैसे नाइट में काफ़ी लोगों को लगता है कि क्यूबो कैसा वर्क करेगा। मेरे ख्याल से आई एम टोटली सेटिस्फाइड कस्टमर की क्यूबा का, जो मुझे मैंने फीडबैक में पूरा रिव्यूज़ देख के ही मैंने कुछ परचेज़ किया था आइटम, तो मुझे कुछ ड्रॉबैक नहीं लगा है। आप देखो पूरा मेरा जो मैं अभी राउंड अबाउट कट अपना चक्कर कट कर रही हूँ, तो सब लेफ्ट एंड राइट पूरा अच्छा सा इसमें कैप्चर होता जा रहा है।
आई एम अगेन हैप्पी फॉर द नाइट वर्जन ऑल्सो कि नाइट में भी है इसका। अब जो नेक्स्ट मैं आपको क्लिपिंग दिखाऊंगी इसमें ना, ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसमें टाइम लैप्स भी है। क्या अपने हिसाब से टाइम लैप्स अपने कुछ दिखाना है कि इतने देर से ना, उसमें आपका क्यूबो के ऐप पे ही जाके आप टाइम लैप्स भी आप सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लिपिंग आपको मिलेगी टाइम लैप्स की। क्यूबो के डैश कैम के ऐप ना एक फैसिलिटी है टाइम लैप्स की, तो मैंने टाइम लैप्स करके आई थिंक 5 to 6 डेज का लिया था, तो इसमें मैंने टाइम लैप्स लिया था। चलिए दोस्तों, मैंने आपको आफ्टरनून की इंस्टॉलेशन, नाइट का व्यू कैसा आता है क्यूबो के डैश कैम से सब दिखा दिया है। आई थिंक आई एम रियली मच सेटिस्फाइड और आप भी हैप्पी होंगे। आई एम हैप्पी कस्टमर ऑफ क्यूबो। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही अमेज़ॉन से इसको परचेज़ किया था। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी अमेज़ॉन का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, कुछ पता लगा कि कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं और फीडबैक कैसा रहा क्यूबो का, अगर आप भी यूज़ करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना कि आप लोगों का कैसा फीडबैक रहा है। मैं तो हैप्पी कस्टमर हूँ क्यूबो की। प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।